जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि बाढ़ राहत कार्यों के लिए व तैयारी योजना के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की गई है, जिसमें आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा, बाढ़ राहत कार्य के लिए शासन द्वारा कुल 138 करोड़ के 31 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिसका भौतिक सत्यापन भी किया गया। सभी कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है, जिससे कि सभी कार्यों को बाढ़ आने से पहले पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा, बाढ़ से निपटने के लिए राहत किट, पशुओं के चारा, पानी, शौचालय की व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। बाढ़ से निपटने के लिए लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रयास है कि लोगों के सहयोग से हम इस बार बाढ़ से निपट सकेंगे। इस अवसर पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम खजनी पवन कुमार, एसडीएम चौरी चौरा रजत राम वर्मा, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, सबका परिचय दिया गया था, जिसे एक दूसरे को लोग जानते रहेंगे। तो उसमें ये एसडीएम खजनी साहब है, खजनी का एक तो बालखंड के लोग जान ले और दूसरे लोग जान ले। आप नगर में स्टेट साहब है, नगर तो किसी को आवश्यकता रहेगी तो बताएंगे। ठीक है, मैं बताता जाता हूँ। सब लोग सर देखे हुए, हमारे जनपद में लगभग 134 किलोमीटर का सफर तय करती है और राप्ती में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है आप लोगों को क्लियर है। कैंपियरगंज में राप्ती रोहिन के डैम पे पिछले बार हम लोगों को बहुत फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी। सर आपके आने के पहले मैंने ये कहा है सर कि तीनों डिवीजन हमारे जो बाढ़ के हैं, बाढ़ और ड्रेनेज के, ये लोग दो दो पेज का एक राइटअप बना दें कि पिछले साल किन किन जगह पे हमें फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी या कहाँ कहाँ। तो हमें रेडीमेड अभी से मालूम रहेगा एसडीएम साहबान को कि साहब यहाँ यहाँ पिछले वर्ष प्रॉब्लम आई थी। अभी मौका भी आप देखते हैं तो तो वहाँ पे हमने उस समय कहा था साहब ये कर लेंगे तो ये 50 साल के लिए तीनों गांव हमारे, वो जो बीच वाला गांव है वो मतलब दो गांव थे, 50 साल के लिए हमारे सुरक्षित हो जाएंगे। चौथा मैं बताऊँ, ये जो हमारा नौशर वाली सड़क है, नौशर से लेकर के कालेश्वर तक, यहाँ पर कई बार लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति पैदा हो रही थी, क्या हमने उसको ठीक कर लिया। मतलब आप ये लिखेंगे कि प्रॉब्लम ये आई थी और कितने दिन आई थी, फिर हमने उसका ये निदान कर लिया। इसी तरह से यहाँ आपका जो चौरी चौरा वाला एरिया है, चौरी चौरा पे जो फरेन नाला जिसको बोलते हैं, एक फरेन नाला पे बड़ा इशू हुआ था, तो क्या हमने उसको हैंडल कर लिया, क्या इशू हुआ था, अचानक से हो गया था, और फिर क्या हमने उसमें मौके पे तब क्या लिया था, अब हमने फाइनली कर लिया कि नहीं। ऐसे कुल मिला के लगभग 10 ही पॉइंट थे, लेकिन वो पॉइंट एक बार विस्तार से आप लिख देंगे तो सबको मालूम हो जाएगा और अगली बार अगर कहीं कुछ आएगी तो तुरंत उसको शॉर्ट आउट कर सकेंगे। चार पेज का एक राइटअप बना दे। आर के पांडे साहब है सर, एक्सएल साहब है, जनरल से भी यही साहब है सर, लिए बड़े से मैप पे पूरा चिन्हित कर देंगे और प्रॉब्लम और पिछले वर्ष क्या निदान किया गया था और अब उसका अंतिम निदान हो पाया नहीं हो पाया। जिससे अगर नहीं, हमारे यहाँ बाढ़ इसलिए आ जाती है कि पीछे का पूरा पानी जो आता है वो हमारे यहाँ आकर के रुक जाता है और आगे जो हमारा साइफन एक प्रकार से जो गंगा में जाने का मार्ग है तो लंबे समय तक वो बना रहता है और हमारे बंधों पर दबाव बनाता है। अगला ये एक बार सब लोग हमारे मेन चैनल में मतलब राप्ती में और घाघरा में कहां से कौन नदी जुड़ रही है और कहां कहां हमारे वो पॉइंट बने, जो मतलब जल स्तर है, वाटर लेवल क्या है, तो ये भी हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे। एक बार इसकी जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है इसकी कर लेंगे, लेकिन अगली बार यहाँ पर बढ़िया आगे बढ़े।
हमारे जनपद की जो सबसे बड़ी बाढ़ है जो अभी तक की उच्चतम है वो 98 वाली है। इसके बाद ये जो अभी 2021 में आई वो लगभग उसके पास तक पहुंच रहा जनसंख्या निवास कर रही है। तो अभी हम आगे से चर्चा कर लेंगे, उसमें एक बड़ा इशू आता है जो दो लोगों से संबंधित रहेगा, एक जलकल से, मैं जीडीए तहसील है, सब जगह बाढ़ कंट्रोल रूम बन जाएंगे, उनके नंबर फ्लैश कर दिए जाएंगे। आगे बढ़िए, बाढ़ चौकियां है, ये अच्छी बात है कि सभी जगह सस्ता पड़ता है लेकिन उसको लोग खाते नहीं है। और पूरी सब्जी में क्या समस्या आ जाती है कि वो खाने योग्य नहीं रह जाता, विलंब हो जाता है। तो दाल चावल रोटी सब्जी का आपको टेंडर कर लेना होगा। हम लोगों का 2020 का अनुभव है वो 40 रुपए में सामान्य दाल चावल रोटी सब्जी उपलब्ध करा देते हैं, सामान्य सा खाना। तो आप दाल चावल रोटी सब्जी का टेंडर कर ले अभी से, जिससे उस समय मतलब इसका भी कर ले, पूरी सब्जी का कर ले और तहरी का कर ले, तो उस समय जैसी जहां आवश्यकता रहेगी उस समय वो उसको सर्व किया जा सकेगा। हमने कोविड में देखा है किस तरह संवेदनशील अति संवेदनशील। देखिए मैं भी कह सकता हूं कि मैंने एक्चुअल में अभी LFL का मतलब हो गया लो ब्लड लेवल के समय कौन से गांव प्रभावित हो रहे हैं, मीडियम के समय कौन से हो रहे हैं और हाई के समय कौन से हो रहे हैं। तो नेचुरली हमें उन गाँव को देखना चाहिए, केवल आप LFL देख लें, नेचुरली जो LFL होगा वो HFL में सीवरली प्रभावित रहेगा, सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। जो LFL का गांव है HFL के समय वो सर्वाधिक प्रभावित होगा, सर्वाधिक प्रभावित होगा। तो LFL हमारे 146 है, समय निकालें। वैसे मतलब हम कहने के लिए कह रहे हैं लेकिन हमने स्वयं करके देखा तो बड़ा टाइम टेकिंग है और बड़ी दूर दूर तक चलना है और इतनी धूल है अभी जिन भी बंधों पर मैं गया पूरा पूरा आप समझिए कि 10-10 इंच 8 इंच से 10 इंच धूल है, कहीं ट्रैक्टर चल गए हैं, डंपर चल गए हैं। कल मैं मलाव बंधे पे ही गया था और इधर जो दूसरे बंधे पे दो बंधों पे गया था, दोनों पर इतने ज्यादा JCB चले हुए हैं कि आप एक तरफ भी जाते हैं छिछलाती धूल है, तो बहुत आसान नहीं है कि आप पूरी एरिया देख लें। लेकिन ऑफ टाइम में प्रयास करें कि कम से कम 50% एरिया अगर SDM साहब देखे होंगे, देख लेने से एकदम ये आइडिया रहता है। जैसे अब मैं मलाव दिखाया ना, या पिछले साल मैंने बासगांव वाले क्षेत्र देखे थे, तो कुछ भी है तो हमें अब आइडिया है कि वहां बाढ़ आएगी तो हमें क्या करना है। बनाने में 10-15 दिन लगता है, ये जरूर इसलिए करा ले कि उस समय वाकई बहुत प्राप्त हो जाएगा। दूसरा हैंडपंप से जो पानी निकलेगा कम से कम वो नहाने धोने और शौच में प्रयोग हो जाएगा, जो बाढ़ का पानी होता है वो इस योग्य नहीं रहता है। आगे बढ़ेगा और SDR पर्याप्त मात्रा में और ये बड़ी अच्छी भूमिका भी निभाते हैं उस समय। किसी भी समय कॉल करने पर SDRF भी हमें मिल जा रही है, NDRF भी मिल जा रही है और प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है विभिन्न योजनाओं में, वो काम जून एंड तक पूरा करने का आश्वासन इनका मिला है। मैं समीक्षा ले रहा हूँ, इतने घटक इसमें हैं। शहर के जलभराव की समस्या इसमें पहला बिंदु है सर, इसकी कार्यरित में डालवा दीजिए जो इन्हें आपके कब तक बनेगा, तुम्हारे कार्यरित आज हम तक दे देंगे तो उसको इसमें जोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ और टिप्पणी की जरूरत है सर। आगे बढ़ जाए, ठीक है, बड़ी समस्या सर सर। तो अभी से टॉयलेट की साइटिंग SDM देंगे एक हफ्ते के भीतर, कहाँ कहाँ टॉयलेट बनना है, ठीक है, बंदे के पास या स्कूल्स पे या जहाँ आबादी शिफ्ट होती है विस्थापित होती है, इन जगह पे। दूसरा जहाँ जहाँ हैंडपंप की आवश्यकता, ठीक है, इसमें स्टेक होल्डर बहुत है, इसमें रेसिलियंस किसका रहता है, हम लोग ये ना सोचें कि सरकार सब कुछ करती है, लोग खुद ही करते हैं, लोगों में इनबिल्ट एक ताकत आ गई है लड़ने में फ्लड्स में, तो उनको पता है कहाँ हैंडपंप चाहिए और कहाँ चाहिए, तो उनसे सुझाव लीजिएगा, उनके सुझावों को प्रशासनिक तराजू पे तोड़ कर दीजिएगा हमें, और उसके बाद आप एडीएम साहब एक बैठक ले लीजिए। जैसे बाढ़ राहत कार्यों के लिए तैयारी योजना के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की गई है, जिसमें आपूर्ति विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और विशेषकर बाढ़ कार्य करने के कार्य जो शासन द्वारा स्वीकृत किए गए, हमारे जनपद में 31 कार्य करीब 138 करोड़ के स्वीकृत हैं, उसका भौतिक सत्यापन किया गया था। सभी कार्यों के समयबद्धता गुणवत्ता को परीक्षण किया जा रहा है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, समय से ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे। इस बार हमारी बाढ़ के लिए तैयारी
चाहे वो निविदाओं के संबंध में हो, आपूर्ति किट्स और अन्य सामग्री के समय से उपलब्धता की बात हो, और प्रशिक्षण और जन जागरूकता फैलाने की बात हो, हर स्तर पर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम लोग इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लोगों के सहयोग से, सभी जनमानस के योगदान से हम इस बार भी लोगों को बाढ़ जैसे अपरिहार्य या आकस्मिक घटनाओं में हम लोगों को राहत दे पाएंगे।